हेलो स्टूडेंट बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको टच स्क्रीन तक बता दिया था, ठीक। अब उसके बाद है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और MICR इज एन इनपुट डिवाइस विच आर प्राइमली यूज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटी द प्रोसेसिंग एंड द क्लियरेंस ऑफ चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट। बेटा MICR, जैसा कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर भी बोलते हैं इसको, ठीक, इसका ये एक इनपुट डिवाइस, इसका यूज़ बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है टू फैसिलिटी द प्रोसेसिंग एंड चेक क्लियरेंस ऑफ चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट या फिर कोई चेक हो गया उसके क्लियरेंस के लिए इसका, इस फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। और इसकी देखिए बेटा, ये एक मशीन ऐसा होता है, ठीक है, जो डेटा को रीड करता है, ठीक। और ये हर चेक के, जो भी चेक होती है उसके बॉटम में होता है, ठीक। इसी को जब हम स्कैन करते हैं, चकुश करते हैं, तो ये इसको रीड करता है। आगे है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट डिवाइस इज यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाई द CPU ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इन टू हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस हमारी जो भी कंप्यूटर के साथ हमने कम्युनिकेट किया, जो भी हम आउटपुट चाहते हैं उसको हमें ये रिप्रेजेंट करता है डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय CPU, और CPU इस पर प्रोसेसिंग करके जो भी हमें डेटा बाहर देता है, जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें आउटपुट देता है, वही वो हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू आता है, ठीक। या फिर इसको जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू हार्ड कॉपी, इसको ये हार्ड कॉपी में देता है। जरूरी नहीं है बेटा ये हार्ड कॉपी में ही हमेशा रहे, कभी कभी ये सॉफ्ट कॉपी में भी होता है, क्योंकि हमारे मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। लेकिन हमारा प्रिंटर से जो प्रिंट होकर पेपर निकालता है वो एक हार्ड कॉपी देता है, वो भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन उसका जो पेज आता है वो हमारा हार्ड कॉपी होता है, ठीक। लेकिन अगर वही पेज, उसके जो कंटेंट है, अगर वो मॉनिटर में हमें दिखाया तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होगा, वो हमारा आउटपुट ही होगा, बट वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होगा। लेकिन अगर हम उसको प्रिंट दे के पेपर पे बाहर निकाल दें तो वह हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी मैंने जस्ट बताया ना प्रिंटर, का प्रिंटर कई टाइप्स के होते हैं। आप देखोगे हमारी, आपके जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो अलग टाइप का प्रिंटर है, ठीक। आप जब टिकट रिजर्वेशन वगैरह कराते होंगे तो आपको जो मिलता होगा टिकट, उस पर देखते होंगे बिंदी बिंदी डॉट 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 रहता है, ठीक है, वो अलग टाइप के प्रिंटर से प्रिंट होता है, ठीक। तो वैसे ही चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट, जैसा कि नाम से ही सुन रहे हो कि एक ऐसा प्रिंटर जो डॉट, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या इसको इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं, जो टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग विच इज़ यूज्ड टू प्रिंट हेड रन बैक एंड फोर्थ। इसका जो हेड होता है वो पीछे जाता है एंड फोर्थ, फिर मतलब उसका कुछ हिस्सा पीछे जाता है फिर आगे जाता है, और ऐसे कर करके ये प्रिंट करता है, अप एंड डाउन करके, अप एंड डाउन मोशन, ऊपर नीचे की गति दे के भी प्रिंट करता है ऑन द पेजेस एंड प्रिंट बाय इम्पैक्ट। और ये इस इम्पैक्ट करता है स्ट्रिंग एन एन इंक सोप्ड क्लॉथ रिबन अगेंस्ट द पेपर। बेटा एक रिबन जैसा होता है, इसमें एक लंबी सी लाइन होती है ड्रम की तरह, पतली से सिलेंडर टाइप में, ठीक है, जिसमें हमारा इंक भरा होता है और यहाँ पे उसके ऊपर एक रिबन लगा होता है, ठीक है। और जब भी ये जो भी पेपर या रिबन हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके इसको प्रिंट देता है, जैसे कि हमारा टाइपराइटर है, ठीक, सेम टू सेम ऐसे ये वर्क करता है। सेकंड है हमारा इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर इस टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग डेट क्रिएट डिजिटल इमेज बाय प्रिपेयरिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। इंकजेट प्रिंटर भी एक कंप्यूटर प्रिंटिंग है जो कि डिजिटल इमेज बनाता है, ठीक। आर द मोस्ट कॉमनली यूज बाय द प्रिंटर एंड रेंज फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल्स टू वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन्स।
फिर ऐसा ज़्यादातर जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ये प्रोफेशनल मशीन्स, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, इनके मॉडल हम कुछ भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा लेज़र प्रिंटर। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर डेट यूटिलाइज अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ए ड्रम। बेटा ऐसा प्रिंटर देखिए हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो ये हम लेज़र प्रिंटर के थ्रू बनाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर डेट यूटिलाइज अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ए ड्रम। बेटा इसमें एक लेज़र बीम होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक इमेज, एक इमेज ऑन ए ड्रम। ये लेज़र के थ्रू एक इमेज को एक ड्रम पे प्रोड्यूस करता है और उसके बाद फिर इसको एक कॉपी पे इसको उभारता है। द लाइट ऑफ द लेज़र अलर्ट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वट एवर इट हिट्स। जब ये हिट्स होता है तो द लाइट ऑफ द लेज़र अलर्ट, जो लेज़र अलर्ट की जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्रम पे डालती हैं जब ये हीट होता है। द ड्रम इज़ दैन रोल्ड थ्रू ए रिसीवर ऑफ टोनर विच इज़ पिक्ड अप द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम। जो चार्ज पोर्शन ड्रम का होता है यहाँ पे इसको ये पिक्ड करते हैं और ये रोल करता है, ठीक, रोल करके ये पेपर को आगे बढ़ाता है और प्रिंट करता जाता है। फाइनली द टोनर्स इज़ द ट्रांसफर टू द पेपर थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रोसेस। दिस इज़ द वे बाय कॉपी मशीन्स वर्क। ओके नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। आपने पढ़ा इनपुट आउटपुट, अब प्रोसेसिंग बाकी है। प्रोसेसिंग में देखिए, प्रोसेसिंग एज लर्न्ड अर्लियर द प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हमारा सीपीयू हो गया, और आउटपुट हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये हमारा आउटपुट। चलिए प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं। एज लर्न्ड अर्लियर द प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि पहले भी पढ़ चुकी हो कि प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट को हम कॉमनली सीपीयू भी कहते हैं। ठीक, दिस यूनिट कैरीज द परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या कैलकुलेशन होता है ये सारा परफॉर्म होता है और ये इसको कैरी करता है, ये यूनिट इस सारे परफॉर्म्स को कैरी करता है। ए सीपीयू इज़ अ फर्दर डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स। सीपीयू को बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस पार्ट इज एलोकेटेड एंड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन। हर पार्ट को एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्रिएट परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया गया है। देखिए फर्स्ट हमारा द पार्ट्स आर एज फॉलोइंग। एलयू का फुल नेम है बेटा, एलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का फुल नेम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस यूनिट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। ये यूनिट जो होता है सीपीयू का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए जो कि कंप्यूटर के द्वारा दिए जाते हैं, सच एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड द कंपेरिजन ऑपरेशन। जैसा कि हमारा जोड़ हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और हमारा कोई भी ऑपरेशन जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ये सारे के लिए ये एलयू रिस्पॉन्सिबल होता है। एलयू इज डिज़ाइन टू परफॉर्म इंटीजर कैलकुलेशन। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंटीजर कैलकुलेशन के लिए। देयरफॉर बिसाइड एडिंग द सब्सट्रैक्टिंग नंबर एलयू ऑफन हैंडल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर। देखिए ये सिर्फ जोड़ने और घटाने के अलावा जो इंटीजर होते हैं इनको ये हैंडल करता है, सिंस द रिजल्ट इज़ एन इंटीजर। जब तक कि इंटीजर के जो रिजल्ट ना आ जाए, वाइल द एलयू इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोसेसर। जबकि एलयू फंडामेंटल कंपोनेंट है सारे प्रोसेसर का। एंड द डिज़ाइन एंड द फंक्शन ऑफ एलयू मे वेरी बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर मॉडल्स। एलयू है ये डिफरेंट प्रोसेसर मॉडल के बीच के फंक्शंस को भेद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल सम एलयूज ओनली परफॉर्म इंटीजर। देखिए कुछ जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं वो ओनली इंटीजर कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, जबकि कुछ होते हैं डिज़ाइन किए गए होते हैं
पॉइंट ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से ये हैंडल करते हैं और उन्हीं के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है। सी यू एज अ नेम, सी यू, सी फॉर कंट्रोल, यू फॉर यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, एल यू, एम यू एंड सी यू। एल यू में हमारे मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है, जितना भी हमें कैलकुलेशन करना हो तो वो हमारा सारा A to Z एल यू हैंडल करता है, ठीक, ये पार्ट। और सी यू कंट्रोल यूनिट, ये सारे वर्ड्स पे कंट्रोल करता है। ओके, देखते हैं। सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, जस्टिफाइड द नेम, जैसा कि नेम से जस्टिफाई किया गया है, पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट। सी यू वर्क टू कोऑर्डिनेट द ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोल यूनिट सिक्योरिटली डेट डायरेक्ट ऑपरेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स प्रोसेसर बाय डायरेक्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखो बेटा, ये सी यू, ये सारे इनपुट और आउटपुट जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये सबको कंट्रोल करता है। द प्रोसेसर देन कंट्रोल हाउ द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर गिविंग डायरेक्शन टू द अदर पार्ट एंड सिस्टम। ये कंट्रोल यूनिट है, ये सबको कंट्रोल करता है, मतलब हर पार्ट को डायरेक्शन देता है कि हाँ ये है तो इसको कहाँ जाना है, ये है तो इसको कहाँ भेजना है, ये सारे ये सी यू करता है। ए कंट्रोल यूनिट गैदरिंग द इनपुट थ्रू ए सीरीज ऑफ कमांड्स। कंट्रोल यूनिट इनपुट गैदरिंग करता है, कलेक्ट करता है इनपुट को कमांड के सीरीज के बेसिस पे। इट रिसीव फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इन ए रनिंग प्रोग्राम, और इसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको रनिंग प्रोग्राम के थ्रू मिलते हैं। एंड देन आउटपुट दोज कमांड्स इनटू कंट्रोल सिग्नल्स, और जो भी आउटपुट होते हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं, ठीक है, कि कौन सा हार्डवेयर को यूज़ करना है, और कंप्यूटर इसको अटैच करके इसको कंटिन्यू वर्क कराता है। एमयू मेमोरी यूनिट, मीयू स्टैंड फॉर मेमोरी एंड फॉर्म्स ऑन द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। एमयू, एमयू का फुल नेम बेटा मेमोरी यूनिट, और ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर की मेमोरी को रिटेन करने, रिमार्क रिकॉल करने के लिए। एम यू इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड, रिसीव एंड डिलीवर डेटा डेट इज़ गिवन टू द। एम यू जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये डेटा कौन सा रखा है, कौन सा रिसीव किया है, कौन सा डिलीवर किया है, ठीक है, कंप्यूटर में ये कौन सा डेटा इनपुट हुआ है, कौन सा प्रोसेस में है, कौन सा भी डिलीवर किया है, ये सारा मेमोरी यूनिट, जैसा कि नाम से मेमोरी, मतलब ये हर चीज़ याद रखता है कि हाँ मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या किया हूँ, अभी क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें, इसको जितना भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, जैसा कि नाम से स्टोरेज, जो ऐसे डिवाइस जिसमें हम किसी डेटा को टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकें। स्टोरेज डिवाइस कैन बी डिवाइडेड, देखो स्टोरेज डिवाइसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव और रैम हो गया। एक्सटर्नल जिसका हम रिमूवल मीडिया, ऐसा एक्स्ट्रा डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर से रिमूव करें फिर भी कंप्यूटर को उतना फ़र्क ना पड़े, ठीक। तो जैसे कि हमारा CDs, DVD है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स है, और पेन ड्राइव्स है, और आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम कंप्यूटर के आउटसाइड से यूज़ करते हैं, बाहर तौर पे इसको यूज़ करते हैं, बाहरी तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब इसको ना लगाएं तो कंप्यूटर हमारा रन ना करे, ऐसा नहीं है। इंटरनल मेमोरी मीन्स मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है, ठीक। अगर हम इसको हटा देंगे तो कंप्यूटर फिर एक डब्बे की तरह हो जाएगा, कोई वर्क नहीं करेगा। लेट्स एनहेंस आवर नॉलेज अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। चलिए हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर के बारे में पढ़ के। कंप्यूटर मेमोरी, ए कंप्यूटर इज यूजली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। फ्यूल इसको नहीं चाहिए, फ्यूल में इसको पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, इसको ओनली इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिए। विच अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिसिटी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। ये सिर्फ समझता है इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जब ऑफ होता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग 2 सैम्पल्स, और ये हर चीज़ों को एक्सप्रेस करता है 2 सैम्पल्स के थ्रू, 0 and 1। मैंने पहले बताया था 0 and 1, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन,
विच आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट आर डिजिट, जिसको ही बाइनरी डिजिट या बिट का बिट्स कहा जाता है। देखो बेटा बिट्स बेटा बाइनरी डिजिट का फुल नेम है, शॉर्ट नेम है बिट। बी बाइनरी का बी आई हमने ले लिया और लास्ट यहाँ का स्टार्टिंग का बी आई ले लिया, यहाँ का टी एस ले लिया, इसी को मिला के हमारा बन गया है बिट्स। जैसे हमने बी आई ले लिया ठीक, प्लस लास्ट का हमने टी एस ले लिया, तो हमारा क्या बन गया बिट्स। ओके क्लियर। द बाइनरी सिस्टम, द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इज यूज इन कंप्यूटर टू एक्सप्रेस न्यूमेरिक वैल्यू इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ये यूज होता है कंप्यूटर के न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल, इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी जब मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू को कंप्यूटर जब एक्सप्रेस करता है तो उसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। सिंपली हम कहें तो बाइनरी नंबर का यूज़ कंप्यूटर में इसलिए करता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। डिस्पाइट हैविंग मेमोरी, ए कंप्यूटर मेमोरी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ह्यूमन। हमारा जैसा कंप्यूटर मेमोरी जो है हमारी ह्यूमन मेमोरी से ये डिफरेंट होता है। बेटा कंप्यूटर में हम चिप लगाते हैं, चिप की कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं ठीक है, 2 GB जगह 5 GB, 4 GB यूज़ कर सकते हैं, 8 GB यूज़ कर सकते, 32 GB यूज़ कर सकते, बट इंसान की मेमोरी ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग भर गया है, कुछ जगह नहीं है तो हम दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग लगा देंगे तो ये वर्क करेगा, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। क्योंकि हम क्या है नेचुरल है, मैन मेड है, हम लोग मैन मेड नहीं है, हम लोग कंप्यूटर एक मैन मेड है और कंप्यूटर को हमने बनाया ना कि कंप्यूटर ने हमें बनाया ठीक है। ए कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। कंप्यूटर कोई भी डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। ए मेमोरीज ए इनकॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड दैट, सॉरी द मेमोरीज इनकॉम्पिटेंट टू अंडर सॉफ्टवेयर एज द नेम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डेटा। यू नो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर ठीक। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डेटा। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करने के लिए जो डेटा होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। एनी थिंग डैट कैन बी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज़ उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली समझ सकें वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर जस्ट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं या सिर्फ जस्ट सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। इज़ एनी सेट ऑफ मशीन रिडेबल इंस्ट्रक्शन। एक सेट होता है मशीन को पढ़ने लायक, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में ही होता है। डायरेक्ट कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। इसको कंप्यूटर के प्रोसेसर से डायरेक्ट इसको परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज समटाइम कंफ्यूजिंग बिकॉज दे आर सो इंटीग्रली लिंक्ड। क्लियरली व्हेन यू परचेज अ प्रोग्राम यू आर बाइंग ए सॉफ्टवेयर बट टू बाय द सॉफ्टवेयर यू नीड टू बाय अ डिस्क। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको मूवी देखना है ठीक है, तो आप कैसेट खरीद के ले आए ठीक है। कैसेट तो हमारा हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम है उसको रीड करने के लिए हमें DVD ड्राइव चाहिए या फिर CD ड्राइव चाहिए ठीक है। तो ये दोनों हमारे हार्डवेयर हो गए, लेकिन जब हम CD को लगाते हैं CD प्लेयर में या DVD प्लेयर में, DVD है तो DVD प्लेयर में, CD है तो CD प्लेयर में, तो इसको रन करता है ठीक है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, विदाउट सॉफ्टवेयर ये रन नहीं कर सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट इन ए कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो बेटा जैसे हमारी बॉडी है ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट, हमें अगर यूजफुल आउटपुट चाहिए किसी कंप्यूटर में या कंप्यूटर को से, तो इसके लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको एक साथ वर्क करना होगा ठीक है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि हम कोई वर्क कर रहे हैं
ठीक है, हम अपना दिमाग और हाथ दोनों लगाएंगे तो वो काम अच्छे से होगा। पता चले हम बस हाथ लगाएं और दिमाग कहीं और घूमता रहे तो बेटा हम फोकस जब तक नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ हार्डवेयर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक। अब दोनों को मिला के ही अच्छे से वर्क होगा। अगर दोनों अगर काम नहीं करेंगे, जैसे हमारा दिमाग कह रहा है पढ़ो, ठीक है, और हम बुक उठाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि हम अपने माइंड से अपनी बॉडी को सिग्नल्स ना दें कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए ये वो। वैसे ही जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो विदाउट हार्डवेयर के बेकार है, और हार्डवेयर जो है विदाउट सॉफ्टवेयर के बेकार है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द रिलेशंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप को लेके। हार्ड बोथ दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है टू बी यूजफुल जॉब, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर के लिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी होता है एक यूज़फुल जॉब, एक यूज़फुल वर्क करने के लिए। बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बेटा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ओके, द सम हार्डवेयर कैन बी लोडेड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। कुछ जो हार्डवेयर होते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए ही बने होते हैं, मेक अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। कुछ हार्डवेयर जो होते हैं वो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बने होते हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेशल हार्डवेयर में ही रन करेगा। डिफरेंट सॉन्ग्स कैन बी प्लेड यूजिंग द सेम सीडीज प्लेयर, जैसे कि हम डिफरेंट सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं सेम सीडी प्लेयर। जैसे सीडी कैसेट तो हमारा अलग अलग होगा, कैसेट सेम होंगे, देखने में तो सेम होंगे, बट जो उनके अंदर डेटा होगा वो तो डिफरेंट होगा ना, वो तो उसको स्टोर किया हुआ। लेकिन हम जब सीडी प्लेयर में डालेंगे तो अगर एक कैसेट लगाएंगे तो उसमें जो होगा वो अलग चलेगा, अगर कोई हम दूसरा कैसेट लगाएं तो उसमें भी सेम नहीं चलेगा, उसमें भी अलग अलग चलेगा। मतलब कि हार्डवेयर तो देखने में सेम लग रहा है लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो डेटा है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है। और जब वो एक हार्डवेयर से कनेक्ट हो रहा है तो वो जैसा जो डेटा को होल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग टू वो परफॉर्म कर रहा है। एक्सेप्ट द अपग्रेड्स हार्डवेयर इज नॉर्मली इन वन टाइम एक्सपेंस, वेयर एज सॉफ्टवेयर इज ए कंटिन्यूइंग एक्सपेंस, जस्ट एज वी बाय न्यू सी डी फॉर द न्यूली रिलीज सॉन्ग और फॉर सॉन्ग हूज सी डी वी डू नॉट हैव। सिमिलरली वन बायज न्यू सॉफ्टवेयर टू बी रन ऑन द सेम हार्डवेयर एज द वेन नीड राइजेज आर फाउंड फंड्स बिकम अवेलेबल। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास तो मूवी है, हमारे पास सॉन्ग है, लेकिन हमारे पास जब कोई नया सॉन्ग आता है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। तो बेटा वैसे ही सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होते रहते हैं, ठीक। हार्डवेयर तो सेम रहेगा लेकिन सॉफ्टवेयर हमेशा क्या है, अपडेट होते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा बियॉन्ड द चैप्टर, देखिए अब चैप्टर से कुछ अलग क्या दिया हुआ है। ग्रे स्टार्क वेदर, ग्रे कीथ स्टार्क वेदर एज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड इन्वेंटर मोस्ट नोटेबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ द लेज़र प्रिंटर। कलर मैनेजमेंट और लेज़र प्रिंटर के लिए अमेरिकन इंजीनियर ग्रे कीथ स्टार्क वेदर को इन्वेंटर माना गया है। In 1969, Stark Weather invented the laser printer at George Webster Research Center. George Webster Research Center में इन्होंने 1969 में लेज़र प्रिंटर का इन्वेंट आविष्कार किया था। The first touch sensor was invented in 1971 by the Dr. Sam Hertz. सैम हर्ट्ज के द्वारा पहली बार टच सेंसर, ठीक है, 1971 में इन्वेंट किया गया था। बट द फर्स्ट ट्रू टच स्क्रीन वाज डेवलप,
लेकिन पहला, ये तो बस टच सेंसर इन्वेंट किए थे, लेकिन पहला टच स्क्रीन 1974 में ही किया गया था बाय सैम हॉट्स एंड इलोग्राफिक्स। सैम हॉट्स और इलोग्राफिक्स के थ्रू 1974 में पहला जो बिल्कुल सही मायने में टच स्क्रीन था उसको डेवलप किया गया। द टच स्क्रीन इज़ द इजिएस्ट टू यूज़ एंड मोस्ट इंटूएक्टिव ऑफ ऑल पीसी इंटरफेसेस। टच स्क्रीन जो बेटा सबसे इजी और बहुत जो पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस है इसमें बहुत इजी है और हमारे लिए काफ़ी ये मतलब यूज़फुल है। इट इज़ द इंटरफेस ऑफ चॉइस फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन हैं उनकी वाइड वैरायटी के लिए ये हमारा पहली चॉइस है। जैसे कि आपको कीपैड दिया जाए तो आप यूज़ नहीं करना चाहोगे, लेकिन आपको टच स्क्रीन तो आप जल्दी जल्दी यूज़ करोगे उसको, आप उसको लाइक करोगे क्योंकि वो बहुत फास्ट वर्क करता है और काफ़ी ये मतलब इजी टू हैंडल होता है ये। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए रिकैप, इसको देखिए फिर से बता रहा है पूरे बुक में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में, कुछ इसने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए मशीन दैट इज़ डिजाइन टू फॉलो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किया गया है, जो भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को जो भी हम इसको देंगे उसके बेसिस पे वर्क करके आउटपुट देने के लिए। प्रिंटर थ्री टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र। प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको हम कॉमनली CPU भी कहते हैं या CPU को ही प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये जो होता है सारे कैलकुलेशन और ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उसको कैरी करता है। CPU को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, LU, CU एंड MU में। LU में हम जितने भी कैलकुलेशंस रिलेटेड अर्थमेटिकल यूनिट जितने हैं इसमें सारा होता है। कंट्रोल यूनिट हर चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट मतलब जो भी डेटा गया है वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट ऑफ मेजर मेंट टू कैलकुलेट द स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो मेजरमेंट होता है वो है हमारा एट बिट। 1KB = 1024 byte, 1MB = 1024 KB, 1GB = 1024 MB, 1TB = 1024 GB। नेक्स्ट हमारा देखिए टर्म्स है, ये आप राइट कर लीजिएगा। मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ड्राइंग टैबलेट, ये आपको नहीं राइट करना है बट ये आप राइट कर लेना, ये फुल नेम है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। ये आपको फील करना है, मैंने पहले भी दिया था, क्वेश्चन आंसर मैं भेज चुकी हूँ आपको राइट करने के लिए, ठीक। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। Bye.